मेरे परिचय में मैं अगर कहूं तो मैं अभिषेक बारेठ हूं। एक देश के कई सारे विचार होते हैं, उन विचारों में एक दृष्टिकोण छुपा होता है। आज उसी दृष्टिकोण पर बात है। दो शब्द हैं, एक कुख्यात और दूसरा विख्यात। जिस तरह फूल की गंध अच्छी या बुरी लग सकती है, पर गंध को अपना काम करना होता है। हमारे घ्राण या नथुने दोनों के लिए आदर्श रूप से समदर्शी होते हैं। उनका काम गंध को रास्ता देना होता है। वैसे ही विख्यात या कुख्यात प्रसिद्धि है, जिनसे निकला भाव तो गंध की तरह है, पर दिमाग के लिए दो तरह की गंध अच्छी या बुरी हो सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हवा तो एक ही है, लेकिन वो गर्मियों में ठंडी नहीं होती और सर्दियों में गर्म। एक पत्रकार को गद्दार कह देना बेहद आसान काम है, क्योंकि ये दृष्टिकोण पर आधारित है और दृष्टिकोण की रचना समाज में उपलब्ध स्रोत करते हैं। पत्रकार शब्द बेहद आसान हो गया है इन दिनों। आप एक माइक पकड़िए, एक चैनल और अखबार का फ्लैग उठा लीजिए और अब आप एक पत्रकार। फिर संवाददाता कौन है? मेरी इस रिपोर्ट के लिए आप इस वीडियो के अंत में मुझे या तो वामपंथी कह रहे होंगे, या भाजपाई कह रहे होंगे, कांग्रेसी कह रहे होंगे। इस रिपोर्ट से उपजा दृष्टिकोण आपके पास होगा। क्या आप और मैं एक ही शक्ल के होते तो दुनिया में हम खुद से कम खूबसूरत या ज़्यादा खूबसूरत किसी को कह पाते? आपके पास इन दिनों सुनने के लिए इतने माध्यम है कि आप इतना सुनने से बोर होकर आगे बढ़ जाएंगे। आप मेरी ये रिपोर्ट नहीं देखेंगे, इसलिए रवीश कुमार का नाम लेना अभी से जरूरी है। वैसे मुद्दा ये है कि रवीश कुमार क्या एक गद्दार पत्रकार है? देश में गद्दार की परिभाषा है कि अगर आप मौजूदा सरकार के घोर मूल्यों के बीच जनता के वाजिब सवालों को हक से उठाएंगे तो आप गद्दार कह दिए जाओगे। पर सवाल ये भी है कि फिर जनता अपने सवाल खुद उठाए। पत्रकारों की ज़रूरत से देश को मुक्त होना चाहिए। रवीश कुमार पूरी तरह से ठीक आदमी नहीं है, इसलिए कि वो पत्रकारिता के जो नियत दायरों से कभी कभी खुद ऊपर उड़ जाते हैं। रवीश कुमार ये नहीं कह सकते कि वो एक परिशुद्ध पत्रकार है, वो भी कुछ दृष्टिकोणों से ग्रस्त है। पर आपने एक उच्च स्तरीय पत्रकार को जब भी उसने हक की आवाज़ उठाई तो उसे अकेला कर दिया। रवीश कुमार कब तक अकेले रह सकते थे, जबकि आप लोगों की आवाज़ उठाने के दौरान ही आधी आबादी उनको सत्ता के खिलाफ और वामपंथ से चंदा पाने वाला कहे। इश्क में धोखा खाने वाले अक्सर कंधे ढूंढते हैं, लेकिन रवीश कुमार को बहुत बार एक अलग आदमी बनते हुए देखा गया है। जब प्रतिपक्ष के हमलों के खिलाफ वो सिर्फ पत्रकार नहीं रह जाते, जब देश के पत्रकार होने के बावजूद उन्हें गद्दार कह दिया जाता है। आपके देश में कितने पत्रकार हैं जो रवीश की तरह काम करते हैं? टीवी डिबेट में वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होते, वो एंकर होते हैं। ये अच्छी पत्रकारिता है, चिल्लाते नहीं हैं, बोलने का किफ़ायती समय उनकी डिबेट में आपको मिल जाता है। देशभक्त पत्रकार भी चिल्लाते हैं, झगड़े करते हैं, पर लोगों को डपटने वाले दारोगा टीवी पर रोज आपको नजर आते हैं। प्रधानमंत्री को रवीश के वामपंथी होने से भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए, वो है तो देश के अंदर। जिस तरह अक्षय कुमार के साथ साक्षात्कार किया, इंडिया टीवी पर चले आए, आज तक की महिला एंकरों के साथ बोट पर चुनाव से पहले साक्षात्कार किया, तो रवीश कुमार को भी दे देते। थोड़ी देर बाद आपका दृष्टिकोण मेरे लिए भी बन जाएगा। नरेंद्र मोदी मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, पर इसके लिए रवीश बुरे क्यों लगे? रवीश कुमार भी कई जगह पर कसैले हैं, जब वो ज़्यादा झुक जाते हैं उस बात को पुख्ता करने के लिए कि नरेंद्र मोदी सरकार बस जुल्म करने वाली सरकार है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार का रवैया उनके लिए ठीक नहीं है तो रवीश का भी नहीं है। रवीश कुमार के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ है कि वो किसी दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व देते हुए नज़र आते हैं। ये उनके पत्रकारिता की जीवन की भाजी में नमक मिर्च की तरह है। पर रवीश दोयम दर्जे के कतई नहीं है, वो असल मायनों में पत्रकार हैं। उनके पास सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पर चलने वाली स्क्रिप्ट ही नहीं है। वो इसलिए खराब पत्रकार नहीं है कि वो छोर पर बैठे आप जैसे मेरे जैसे आम आदमी की पैरवी करते हैं, पर देश के लोग उन्हें दलाल कहकर उनका दिल नहीं दुखाएं। क्या हम तटस्थ लोगों की जमात को पत्रकार कहें? दलाल शब्द की व्याख्या आप कैसे करेंगे? सत्ता से कड़वे सवाल पूछने वाले पत्रकार दलाल होंगे या मीठे? रवीश कुमार पत्रकार से ज़्यादा आईने का काम करते हैं। जब सत्ता उसमें अपना चेहरा देखती है तो अपने चेहरे की कालिक पर आईना फोड़ देना चाहती है। क्या यह ठीक है?
अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार रहे और अपनी बेबाकी के लिए उन्हें प्रतिपक्ष भी दबे कुचले ढंग से सराहता है। रवीश कुमार की सबसे खराब चीज़ है कि वो सत्ता में हर खराब चीज़ खोज लेना चाहते हैं जो कभी कभी उसमें होती ही नहीं है। यहाँ पर वो कुंठित आदमी ज़्यादा होते हैं और पत्रकार कम, पर अवसरवादी पत्रकारों की फौज में हमारे देश के पास एक पत्रकार तो है सही जो सच में पत्रकार है, बाकी सत्ता परिवर्तन के साथ अपना तंबू दूसरी जगह गाड़ लेते हैं। रवीश कुमार पिछले 20 सालों में एक जैसे रहे, ये साबित करता है कि वो मूल्यवान पत्रकार हैं, उनकी अनदेखी ठीक नहीं है। सत्ता में इतना सामर्थ्य भी हो कि वो जब सामने वाली पार्टी और लाखों समर्थकों से टकरा कर सत्ता हासिल करते हैं तो एक मामूली पत्रकार नाम की चीज़ उनके लिए चट्टान नहीं बननी चाहिए। पत्रकारिता का दौर बीतने की तरफ है, लुप्त होते पत्रकारों को बचाने के लिए हमें उसी तरह से मेहनत करनी होगी जैसे बाघों को या विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। सत्ताएँ ये कर सकती हैं, हालांकि अभी उनके लिए ज़रूरी हो गया है। पत्रकारों की फौज जो तमाम टीवी चैनलों या अखबारों से आती है वो उनके हक की बात करते हुए उनके साथ चले, पर सत्ता जब भी चाटुकारिता से घिरी है, आम आदमी टूटा और रूठा है और सत्ताओं का पतन हुआ है। भारत के समृद्ध मीडिया वाले एंकर रोटी से ज़्यादा कौन सा जुगाड़ कर रहे हैं? रवीश कुछ कुंठा और अनदेखी से उपजे रवैयों से ऊंचे उठे और सत्ता भी उनका स्वागत करे तो उनके जैसा बिरला पत्रकार देश को मिल जाएगा। रवीश कुमार बेहतरीन पत्रकार हैं, उन्हें गद्दार और दलाल कहना भारतीय पत्रकार के पीछे छुपे एक आम आदमी की तौहीन है। ये तमाम विचार मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते जब भी मैं किसी पत्रकार को लोगों के द्वारा ये कहते हुए सुनता हूँ कि वो गद्दार है, वो देश का आदमी नहीं है, दलाल है, तो मुझे भी दुख पहुँचता है। आप हमारे साथ बने रहिए, शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.